लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कैट कमांड पढ़ा, हमने देखा हाँ बहुत ही बेहतरीन कमांड है कैट, लेकिन अगर मेरे को यार थोड़ा ही पार्ट देखना है फाइल का तो मैं हेड या फिर टेल यूज करूंगा, सही बात है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हेड एंड टेल कमांड। मेरे पास एक फाइल है foods.txt, इसको कैट करते हैं। कैट किया मैंने, देखो इतने सारे फूड्स हैं मेरे पास, अराउंड 100 हैं ये। लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि स्टार्टिंग के बस मैं 3 देख लूं, ठीक है, या फिर मैं ये चाहता था कि एंडिंग के 3 देख लूं। तो कैसे कर पाएंगे, तो वही हेड एंड टेल कमांड का हम यूज करते हैं। हेड देन फाइल का नाम foods.txt, तो देखिए शुरू के 10 एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली अगर मैं टेल करता हूं तो आखिरी के 10 एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग के n एलिमेंट्स देखूं, मैं n लाइंस देखूं बेसिकली, n लाइंस, तो मैं यूज करूंगा -n और लाइन नंबर यहां पे। जैसे कि मैं एक लाइन देखना चाहता हूं तो एक लाइन आ गई है। इसका शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट -1 कर दीजिए। सिमिलरली अगर मैं आखिरी के मान लीजिए 4 लाइन देखना चाहता हूं तो टेल -4 कर दीजिए। ज्यादातर हम टेल का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और टेल भी हम कैसे करते हैं, टेल -f करते हैं। अब इस -f का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मैन पेज खोल लेते हैं, देखिएगा -f में लिखा हुआ है आउटपुट अपेंडेड डेटा एज फाइल ग्रोज। कह रहा है कि सर आप ना क्या करिए, टेल -f कर दीजिए food.txt को, ठीक है। तो देख रहे हो कमांड जो है उसका आउटपुट आ गया, ठीक है, इसने 10 एलिमेंट्स दे दिए हैं लेकिन अभी एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि ये अब कंटिन्यूअसली देख रही है चेंजेस को। जैसे ही कोई नई लाइन आएगी foods.txt में तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, एक नई कमांड लाइन खोल लेते हैं ना, प्लस करके यहाँ से ls किया मैंने, तो सेम foods.txt देखो। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं कैट करता हूँ और अपेंड करता हूँ foods.txt में। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पिज्जा, फ्राइज, टी, कॉफी, ठीक है, एंड कंट्रोल डी किया मैंने एंड ऑफ इनपुट के लिए। अगर मैं देखो बैक जाऊंगा ना, देख रहे हो पिज्जा, फ्राइज, टी, कॉफी, हमने दो टैब खोली हुई थी। आप साइड बाय साइड विंडोज ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, बंद करते हैं इसको, है ना। मेनली हम यही यूज करते हैं टेल -f, एंड मेनली इसके साथ ग्रेप यूज करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में चेक करेंगे ना कि ग्रेप क्या होता है, ना पाइप ऑपरेटर क्या होता है, वो सब देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए हमने पढ़ लिया है हेड एंड टेल, है ना। मेनली टेल का हम इस्तेमाल लॉग फाइल्स में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई API टेस्ट कर रहे हैं और कुछ मान लीजिए एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉग फाइल को ऐसे रोक लोगे यहाँ पे, ठीक है, और API हिट करोगे और एक्सेप्शन देखोगे भाई क्या आ रहा है, ऐसे होता है काम, ठीक है, करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे अगर मैं मैनुअल पेज देखूं, एंड आप कंट्रोल सी से एग्जिट कर सकते हैं, एंड अगर मैं मैनुअल पेज देखता हूँ तो देखो कह रहा है कि भाई कितने भी ऑप्शन दे सकते हो आप एंड कितने भी फाइल दे सकते हो एक साथ, ठीक है सर। लेकिन ये जितने भी ऑप्शन हैं मैंने तो आज तक यूज करे नहीं है, सच बताऊं तो इन्हीं चीजों से काम चल जाता है, ठीक है, एक तो -f से एंड -line number से, ठीक है। एक और कमांड देख लेते हैं हम, यहाँ पे लेस करके होता है। अगर देखिए कैट मैं करता हूँ, कैट करता हूँ foods.txt को, तो एक साथ यहाँ पे टर्मिनल पर ही ये प्रिंट आउट हो गए हैं, है ना, और एक साथ हो गए। मान लीजिए 1000 लाइन है तो 1000 के 1000 लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ अपना टर्मिनल क्लीन रखना और एक बार में एक पेज देखना, तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा foods.txt को। अब देखो जो व्यूअर मैनुअल पेजेस दिखाने के लिए यूज होता है वही व्यूअर इस समय यूज हो रहा है, देख रहे हो। अब मैं नीचे कर सकता हूँ ना, डाउन की से अप की से ऊपर कर सकता हूँ, स्क्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, एंड स्पेस से हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, एंड आगे यहाँ पे स्लैश से सर्च कर सकते हैं, पिज्जा सर्च किया, देखो आ गया पिज्जा, ठीक है, ऐसे। तो सेम ही व्यूअर है जो कि यूज होता है मैनुअल पेजेस को दिखाने में। अब देखिए क्यू प्रेस करूंगा तो बाहर जाऊंगा, और देखो टर्मिनल हमारा गंदा नहीं हुआ है, ठीक है, एक दूसरी विंडो में, एक टेम्परेरी दूसरी विंडो में ये ओपन हुआ, ठीक है। तो ये है हमारी लेस कमांड, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।